हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हेलो फ्रेंड्स, तो घर बैठे ये सब लोग कमा सकते हैं विदाउट एनी मेहनत एक्स्ट्रा इनकम। तो डाउनलोड कीजिए आज ही इस मीशो ऐप को, और करना कुछ भी नहीं है, आपको जो पसंद आ रहा है आइटम और जिस टाइप का आपका ग्रुप है उसमें आपके मनपसंद आइटम को आप शेयर कीजिए, और अगर किसी को पसंद आता है वो आइटम तो बस कैश ऑन डिलीवरी पे उनको भेज दीजिए। तो भेजने का प्रोसेस भी आपको मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपके ग्रुप में हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा है, तो हाउसवाइफ को जो है किचन के रिलेटेड आइटम बहुत पसंद होते हैं, तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया है, ऐसे आप एक कढ़ाई सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कैश ऑन डिलीवरी पर आप सेंड कर सकते हैं। तो अभी इसका कॉस्ट है 558। तो कमाई कैसे होगी, आपको करना है ऐड मार्जिन। तो मैंने यहाँ 600 रुपये टोटल डाला है, तो मेरा मार्जिन बनता है 42 रुपीज़। ये है मेरी कमाई। तो इट इज़ वेरी सिंपल, सो डाउनलोड नाउ एंड एंजॉय योर अर्निंग्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टाइल विद पैशन। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग के लिए। बस पिछले मंडे को गई थी, उसके बाद इन लोग की तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद गई ही नहीं मैं। ओके, आई एम टेकिंग, वेट, कार कीज बोले जा रहे हैं। चलिए चलते हैं फटाफट से। आई का रमा तो हम लोग स्विमिंग से वापस आ चुके हैं, एंड आज इंडिया बांग्लादेश का मैच है, इसलिए ये भी ऑफिस से आ गए थे, तो कुछ खाने के लिए चाहिए बोल रहे थे। तो सुबह मैंने एग्स बॉईल करे थे, लेकिन इनको टाइम हो रहा था करके चले गए, तो वो एग्स को मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। ओनली नमक मिर्ची हल्दी थोड़ा कोट करके मैरिनेट करके एग्स को थोड़ा फ्राई करने से काफ़ी अच्छा लगता है स्नैक टाइप में खाने के लिए, तो वो बना रही हूँ मैं अभी। बनाना क्या मतलब, बना बनाया बस कोट करके 2 मिनट में करके दे दो, अच्छा लगता है स्पाइसी सा। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. नेक्स्ट इवनिंग, कल की स्विमिंग से आने के बाद अंडे वंडे खाने के बाद कुछ शूट ही नहीं किया मैंने, पता नहीं
मतलब कुछ मैं वेट कर रही थी कि कुछ मिले अच्छा सा कि शूट करूं शूट करूं, तो ऐसे ही रह गया, बस मन नहीं गया और ऐसे रह गया। एंड अभी भी स्विमिंग जाके आई हूँ मैं, एंड वापस आते आते मैं एक ये तीली वाली झाड़ू और एक ये फूल झाड़ू एंड उसके अलावा ये मॉप का जो डंडा होता है ना वो लेके आई हूँ। ओए हाँ, क्योंकि सुबह आज ही जो है घर के काम के लिए एक मेड को मैंने लगा लिया है फाइनली। तो सुबह सुबह वो आई थी, आज का काम रही करके चली गई। तो मॉप भी बहुत पुराना हो गया था उसका, जो वो है क्या बोलते हैं, नीचे का जो छल्ला होता है वो बहुत ही गल सा रहा है। तो वो मैं अभी जैसे पुराने होते रहते हैं तो उनसे जो मैं बाहर जो एंट्रेंस है वहाँ पे लगाने के लिए बोलती हूँ, अंदर के लिए जो है दूसरा वाला रखती हूँ हमेशा। तो दोनों की जो है एक्सपायरी डेट आ चुकी थी तो लेना ही था। तो लोग बोल रहे थे कि आप जो मैजिक मॉप वाली बकेट आती है वो सब ले लो करके, क्योंकि अगर मेरे को ही लगाना है तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन मेड्स को वो ये सारी थोड़ी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं रहता है, वो लोग डंडे में ही कंफर्टेबल रहते हैं। और अगर ख़राब भी हो जाएगा फिर वो 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, कहीं 700 रुपये में भी ऐसे आता रहता है। तो अगर उन्होंने कुछ आड़ा टेढ़ा कर दिया और उनका जो फंक्शनिंग है वो ख़राब हो जाए, उसमें ऐसे दबाने से जो है ऑटोमेटिक स्क्वीज़ हो जाता है वाटर, कुछ ख़राब हो जाएगा तो फिर अपने को दुख होगा। मैंने बोला चलो अभी मैं 120 रुपये का डंडा, 80 रुपये की झाड़ू एंड 20 रुपये की तीली वाली झाड़ू लेके आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी अभी तक आए नहीं है, चाय पीने का मन कर रहा है तो अपने लिए बना लूँ कि नहीं बनाऊँ। आदित्य जो है स्कूल का होमवर्क कर रहा है, उसको आजकल इतना ये हो गया है ना कि वो इतना गंदी गंदी हैंडराइट, उसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है जो उसने सड़ा दी है एकदम। मतलब उसको है कि बस जल्दी फटाक से ख़त्म करो इस काम को और अपने काम में लग जाओ। तो वो ड्राइंग कर रहा था, ड्राइंग में भी उसने इतनी गंदी वाली ड्राइंग करी है, तो मैं उसको थोड़ा ऐसे सीरियसली देख रही थी इस वजह से कि क्या है ये। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा ख़राब से अच्छे स्टेज में जाता है तो हमको लगता है भैया ओके ही इज़ ग्रोइंग, लेकिन अच्छे स्टेज से एकदम डाउन में जाने लगने से गुस्सा भी आता है एंड फिर थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। तो आदित्य जो है अपनी हैंड राइटिंग भी उसने इतनी बिगाड़ दी है, ऐसे से करता रहता है वो। सो कभी कभी वार्निंग्स देनी पड़ती है बच्चों को, एंड देना भी ज़रूरी है। इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू नो कीप ऑन पैम्परिंग देम, बिगड़ जाते हैं बच्चे। हम भी बच्चे थे, हमको भी जब पैम्पर करते थे तो हम भी ऐसे बिगड़ते थे। चलो अभी मैं बर्तन थोड़े अरेंज कर लेती हूँ। मुझे याद आया कि स्विमिंग से आते ही जो गीले वाले कपड़े होते हैं वो सुखाने होते हैं, बैग के अंदर ही छोड़ दिए मैंने, भूल गई मैं, उनको सुखा लेती हूँ। थोड़े से प्याज भी लेके आई हूँ, वो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और अभी बोल रहे हैं टीवी ऑन करो करके। एंड मेरे हस्बैंड कॉफ़ी ज़्यादा पीते नहीं है, लेकिन बिक गया इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ले लेते हैं। वो नहीं पीते तो मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, पहले मैं बनाती हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी किचन को भी ऑर्गेनाइज करना है, थोड़े बर्तन हैं जो डिश वॉशर से निकाल के अरेंज करने हैं, थोड़े उसमें रखने हैं जो भी स्कूल के बॉक्सेस हैं वो सब, एंड दोपहर का खाया वाया जो भी है वो भी उसमें रखना है। चलो
तो सब कुछ अरेंज कर दिया एंड अभी थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा राइस रखना है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो टिफिन टाइप्स ही खा रहे हैं, दो चपाती हो गई या दो डोसे या दो इडली समथिंग लाइक दैट, एंड उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स एंड थोड़ी सी लस्सी, बस उतना ही। एंड रात के टाइम पे हम लोग खाना वाना नहीं खा रहे, तो सुबह जो भी बनाया था सब ख़त्म हो चुका है। मैंने आलू फ्राई बनाया था और दाल बनाई थी जो पतली वाली होती वो बनाई थी, तो सब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बनाने से बेटर है, बिना बचे अगर हम बनाएंगे तो फ्रेश फ्रेश बना के खा सकते हैं। बचा हुआ खाने से जो है एक तो बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है एंड अदरवाइज कैसे भी अच्छा ही नहीं है किसी के लिए भी। तो अभी मैं बना रही हूँ पत्ते वाली सब्जी। कल मैंने पत्ते वाले अंबाड़े की जो पत्ती थी, पत्ते थे वो दाल में डाले थे। अभी ये जो है दिस इज़ चुलाई के पत्ते, एमरांथस बोलते हैं, एंड दिस इज़ आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम इन हिंदी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ही मैंने देखा इसको तेलुगु में चुक्का कोरा बोलते हैं। थोड़ा ये भी थोड़ा सा खट्टा रहता है, तो जब हम इन दोनों का मिक्स करके बनाएंगे तो जो है कुछ और खट्टापन डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा स्पाइसी रहने से कोई भी करी काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए तो हम सब लोग टमाटर ऐड करते हैं। और एक टमाटर मैं ऐड करूँगी, बस फटाफट से रख देती हूँ क्योंकि कुकर में ही बनाना है एंड सुबह का राइस कुकर खाली हो चुका है। और दूसरा राइस कुकर में दूसरे वाले में मैं चावल रख दूँगी, थोड़ा सा इसको धो के रख लेते हैं। बड़ा है, इसको डिश वॉश में भी रख सकते हैं, धुल जाएगा, लेकिन बड़ा है। मेरे को अभी खाना वाना बनने के बाद पूरा खाने के बाद और प्लेट फिर आएगी तो फिर जगह बचेगी नहीं, इसलिए मैं इसको धो ही रही हूँ। सीधा रेत की कितनी सारी रेत आई है। तो यहाँ पे मैं सब्जी बनाना शुरू कर रही हूँ। जैसे ही मैंने जो राइस कुकर का जो बर्तन है उसको साफ़ कर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी भर लिया है एंड देखा जैसे आपने कि उसमें कितनी सारी रेत आई थी, तो ये पत्ते भी काट के मैं उसमें डाल रही हूँ। तो अच्छी तरह साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पत्तों के बीच बीच से निकल के आती है रेत। तो एक को काट चुका है, ये दूसरा काट रही हूँ मैं एंड साथ ही साथ जैसे ही काटूंगी प्याज काटने से पहले जो है मैं कुकर चढ़ा दूंगी। जितनी देर में कुकर गर्म होगा उसके अंदर का तेल गर्म होगा तब तक मेरे प्याज भी कट जाएगा कटर के अंदर। सो इस तरह से मेरा प्लेटफॉर्म भी साफ़ हो चुका है। एक्चुअली न्यूज़पेपर डालती हूँ मैं, लेकिन अभी थोड़ा फास्ट फास्ट के चक्कर में मैंने नहीं डाला एंड थोड़ी सी करी बनानी थी तो मैंने बोला चलो ऐसे उठा लेंगे करके। तो कुकर को गैस पर रखने से पहले थोड़ा सा एक बार पानी में और मैंने साफ़ करके उसको रख दिया एंड ये रहा मेरा कटर। अगर आपको लेना है ऐसा कोई कटर तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेकआउट। देखिए फटाक से प्याज भी कट चुके हैं, तो प्याज जो है मैंने कुकर में डाल दिया, तेल भी गर्म हो चुका है एंड वो उस बर्तन में मैंने दो मिर्चियाँ भी धो के डाली थी वो भी मैंने दोबारा धो के जो है कुकर में डाल चुकी है। एंड साइमल्टेनियसली ये जो कटर है मैं उसको साथ ही साथ धो लेती हूँ, क्योंकि बाद में धोने से उसके अंदर जो कचरा फंसता है वो फिर सूख जाता है, फिर निकलता नहीं एंड स्मेल आती है, वो सब प्रॉब्लम हो जाती है। एंड जब तक थोड़ा प्याज पक रहे हैं तब तक मैंने टमाटर भी साइड में रख लिया है। और अभी देखिए इसका लुक इस तरह से है एंड अभी थोड़े से जब प्याज थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं तब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। तो टमाटर का ये जो ऊपर का होता है वो निकाल देना चाहिए वरना पथरी होती है बोलते हैं, तो वो जब पता लग ही गया तो मैं हमेशा निकाल देती हूँ इस वजह से और डायरेक्ट ही मैं काट देती हूँ। एक्चुअली कटर में काटना था मैं भूल गई, लेकिन मैंने धो दिया था इसलिए मैंने बोला चलो अभी हाथ से काट देते। एंड टमाटर डालते ही मैं इसमें लीफी वेजिटेबल है जो वो डाल रही हूँ एंड इसको डालने के बाद एक बार आपको अच्छी तरह से इसको एक स्टिर दे देना है एंड उसके बाद नमक मिर्ची डालो और कोई मसाले की ज़रूरत नहीं है इसमें। नमक मिर्ची डालो एंड थोड़ा सा पानी डालो, ढक्कन लगाओ, बस खलास काम, सब्जी तैयार एंड पेट के अंदर। तो नमक मिर्ची हल्दी तीनों डाल चुका है मैंने एंड इसको भी अच्छी तरह मिला लीजिए। उसके बाद पत्ते वाली सब्ज़ी में ज़्यादा पानी नहीं डालना जी, क्योंकि पत्ते जो है गल के बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे फिर वो उसको बहुत ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा और ज़्यादा देर पकाएंगे तो उसमें कुछ बचेगा नहीं जो विटामिन्स आपके बॉडी में आने वाले होंगे, इसलिए
क्विकली खाना बन जाना चाहिए और पेट में चला जाना चाहिए। तो अभी पतिदेव भी आ चुके हैं ऑफिस से एंड इनके आने से पहले खाना बनाना सब कुछ समाप्त, बस टिफिन बनाना है अभी। सी द करी इज रेडी एंड इट टेस्ट्स यम्मी। कितने फटाक से मैंने खाना बना दिया एंड ये भी अभी ऑफिस से आ चुके हैं, लेकिन चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए बोल रहे थे। मैं तो इनके बहाने मैं तो पी लूँगी, वैसे पी मैं भी सकती हूँ, ऐसा कोई नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शन, लेकिन मुझे अकेले के लिए मैं, अगर ये नहीं है ना घर में और बच्चे भी नहीं है तो मैं खाना भी छोड़ दूँ, खाना भी नहीं खाऊँगी, कुछ ऐसे टाइम पास कर लूँगी, कुछ बिस्किट विस्किट होगा या कुछ ऐसा होगा ऐसे कर देती हूँ मैं। एंड जो मैंने आपको बोला था ना कि स्विमिंग के पास में शूटिंग हुई थी, मैंने सोचा उन्होंने डाला ही नहीं चैनल में, अपने एबीएन न्यूज़ चैनल जो होता है एबीएन आंध्र ज्योति जो न्यूज़ चैनल, उसमें डाला ही नहीं मैंने, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि टेक्निकल इशू है, तो उसके बाद मैंने पूछा भी नहीं। एंड फॉर्चुनेटली जब जिस दिन हम अवार्ड फंक्शन के लिए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी वो चीज़ कवर करने के लिए वो मीडिया वाले वहाँ पे भी आए थे, तो वहाँ पे वो मेरे को दिखी, तब मैंने उनसे पूछा कि आपने डाला नहीं क्या, बोलते डाला था ना, मैं हम लोगों ने डाला तो था करके। तो उसके बाद मैंने घर आके देखा है, तब मुझे वो दिखा है, तो मैं उसकी क्लिपिंग ऐड करूँगी, देखना आप। एक्चुअली यहाँ के एरिया वाले जो लोकल लोग कवर करते हैं वो तेलुगु में ही रहते हैं, तो मैंने तेलुगु में ही बात करी थी, तो आपको थोड़ी सी पिक्चराइजेशन दिखा दूँगी जो भी चला था वहाँ पे, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्टाइल्स थे स्विमिंग के वो सब कवर करे थे उन लोगों ने, तो वो भी देख लीजिए एक बार। కోసం ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఐ వుడ్ సే, వాకింగ్ ఎంత చేసినా ఏదేం చేసినా స్విమ్మింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్. అండ్ ఈ ఎండాకాలంలో స్విమ్మింగ్ లో వచ్చే చల్లదనం వేరే ఎక్కడా కూడా రాదు, చెమటలు వచ్చేస్తే ఏది వర్కౌట్ చేయబుద్ది కాదు. సో మీరు ఖచ్చితంగా ఒకవేళ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇది విజయవాడలో జిమ్ ఖాళాలో, ఇది సమ్మర్ క్యాంప్ కూడా నడుస్తుంది, మీ పిల్లలు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు, మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఎవరు పడితే వాళ్ళ లేడీస్ జెంట్స్ అందరూ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇంకా అందరు జాయిన్ అవ్వండి, ఈ సమ్మర్ ని ఈ స్విమ్మింగ్ తో ఎంజాయ్ చేయండి. देख लिया ना आपने वीडियो जो उन लोगों ने शूट किया था, काफ़ी अच्छा था, आई लाइक इट वेरी मच. तो मैं ज़रा ऐसी लेटी हुई थी तो हालत ख़राब है, बच्चों को उठ के खाना खिलाना है, हस्बैंड भी आए थे तो लेट के ऐसे बात कर रही थी मैं. तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, चार्जिंग ख़त्म हो रही है, जब भी मेरा वीडियो ख़त्म होता है तब तक चार्जिंग भी ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसके टाइम उसी टाइम पे आपको जो है अपना अंगूठा लाइक बटन पे चिपका देना है, तो प्लीज़ चिपका दीजिए लाइक बटन पे, तोड़ दीजिए उसको दबा दबा के सब लोग, एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियो को अगर आपको थोड़े भी बहुत पसंद भी आते हैं, आपको अगर लगता है कि अगर आपको पसंद आया तो किसी और को भी पसंद आएगा, तो शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजा के ऑल ऑप्शन के साथ. चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.